दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के ऊर्जा राजधानी सिंगरौली जिला की बात करेंगे। सिंगरौली जिला की वर्तमान स्थिति, खनिज, पर्यटन स्थल व कुछ रोचक बातों को भी जानेंगे। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीएन नॉलेज में। चलिए शुरू करते हैं। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश राज्य का 50वां जिला है, जिसे 24 मई 2008 को सीधी जिले से विभाजित कर बनाया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के सीधी जिले का पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के आसपास के क्षेत्र सम्मिलित हैं। सिंगरौली जिले का मुख्यालय बैढ़न है। ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली रीवा की एक रियासत थी, जो बघेलखंड का हिस्सा था। सिंगरौली जिले को एमपी का सिंगापुर व श्रृंगावली भी कहा जाता है। यह जिला प्राकृतिक और खनिज संपदा से संपन्न है। प्राचीन काल में यह घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से ढका हुआ था, लेकिन अब वर्तमान समय में इतना अधिक खनन और इतनी सारी कंपनियों के कारण यह मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वायु प्रदूषित शहर बन गया है, जो आज एक चिंता का विषय है। खनिज संसाधनों और तापी विद्युत संयंत्रों की प्रचुरता के कारण इस जिले को ऊर्जांचल नाम भी दिया गया है। सिंगरौली जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के कोरिया व अंबिकापुर तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है। वर्तमान समय में सिंगरौली जिले का कुल क्षेत्रफल 5,675 वर्ग किलोमीटर व समुद्र तल से ऊंचाई 278 मीटर है। यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 11,78,273 थी, जिसमें 6,13,637 पुरुष व 5,64,636 महिलाएं थीं। यहाँ का लिंगानुपात 920 है, यानी 1,000 पुरुषों में 920 महिलाएं हैं। सिंगरौली जिले की साक्षरता दर 62.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 73.8% व महिला साक्षरता 49.9% है। यहाँ की महिला साक्षरता भी एक चिंता का विषय है। सिंगरौली जिले में 6 तहसील सिंगरौली नगर, सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, मांडा, सरई, 3 ब्लॉक बैढ़न, चितरंगी, देवसर, 10 पुलिस स्टेशन व 816 गांव हैं। यहाँ की मुख्य नदियाँ रिहंद व गोपद हैं, जो सोन की सहायक नदी हैं। सिंगरौली जिला बेशकीमती खनिजों से परिपूर्ण है। यहाँ पर अपार वन संपदा व खनिज पाया जाता है। सिंगरौली में ही विश्व के दूसरे नंबर की लगभग 136 मीटर मोटी कोयले की परत पाई गई है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इसी कारण से इसे ऊर्जा की राजधानी भी कहते हैं। 2020 में खनिज अधिकारी ने बताया था कि अब सिंगरौली सोने का उत्पादन करने वाला जिला बन जाएगा, क्योंकि सिंगरौली जिला के चितरंगी तहसील के सलफोरी और सिधारी इलाके में सोने का लगभग 7.29 मिलियन टन भंडार मिला है। इन सोने की खदानों से रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी। सिंगरौली जिले में काम करने वाली प्रमुख कंपनियां भारतीय ऊर्जा उद्योग से संबंधित हैं। कंपनियों के संचालन में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का खनन शामिल है। यहाँ पर 2500 किलोमीटर के हिस्से में कोयले की खदानें फैली हुई हैं। सिंगरौली जिले में मुख्य रूप से 4 कंपनियाँ काम करती हैं, NTPC लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, SR पावर लिमिटेड। NTPC विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसे विश्व बैंक व रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। इससे हमें 4,760 मेगावाट की बिजली मिलती है। सोन की सहायक नदी रिहंद में एक रिहंद थर्मल पावर प्लांट स्थापित है, जिससे हमें 3,000 मेगावाट की बिजली मिलती है और इससे जल की प्राप्ति भी होती है। इस पावर प्लांट से 50% UP को और 50% MP को लाभ मिलता है। अब बात करते हैं सिंगरौली जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल की। मांडा गुफाएं। सिंगरौली के मांडा तहसील में 7वीं-8वीं शताब्दी की रॉक कट गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें विवाह मांडा, गणेश मांडा, शंकर मांडा, जलजलिया मांडा व रावण मांडा प्रसिद्ध गुफाएं हैं। जलजलिया मांडा गुफाएं।
जलजलिया माडा गुफा परिसर में दो गुफाएं हैं, जिनमें एक मंदिर गुफा और दूसरा भूमिगत गुफा है, जो एक पुल के रूप में है। मंदिर में भगवान शिव और देवी की प्रतिमा है। इस गुफा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक सीता देवी का मंदिर है, जिसे सीता कुटी भी कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा झरना है, जिसे इच्छा पूर्ति झरना कहते हैं, और यह बहुत लोकप्रिय भी है। रोज गार्डन। उत्तर कोल फील्ड्स के जयंत परियोजना टाउनशिप में स्थित रोज गार्डन एक सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ पर लोग सुबह आकर योग और ध्यान भी करते हैं। श्री हनुमान मंदिर झिंगुरदह। सिंगरौली जिले का यह मंदिर एक प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसकी एक खास बात यह है कि यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित है, जिससे इसकी कुछ सीढ़ियाँ एमपी में तो कुछ यूपी में हैं। यह हनुमान मंदिर उत्तरी कोल फील्ड लिमिटेड के झिंगुरदह में स्थित है। इनके अलावा यहाँ पर लेक पार्क, विंध्यनगर, श्री गणेश मंदिर देवसर व रिहंद जलाशय आदि पर्यटन व धार्मिक स्थल हैं। सिंगरौली जिले में प्रत्येक वर्ष दिवाली त्यौहार के समय झिंगुरदह मंदिर में 10 दिवस का औड़ी मेला भी लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं और धार्मिक कार्य भी करते हैं। सिंगरौली जिले का मुख्य व्यंजन लिट्टी चोखा व चाट फुल्की है। क्या आपने लिट्टी चोखा खाया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।